हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भरगेन का शेफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही फेमस रेसिपी बालूशाही। आज मैं आपको बताऊंगा बालूशाही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। जितना मुश्किल इसका नाम है और हमको लगती है कि बालूशाही बहुत ही डिफ़िकल्ट रेसिपी है, उतनी ही आसान है ये बनाना। अब मैं बनाना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। हम डालेंगे सॉस पैन के अंदर चीनी। चीनी का वजन है 600 ग्राम। आप जब भी बालूशाही के लिए चाशनी बनाएं तो थोड़ी गाढ़ी बनानी है आपने, तो आपने जितनी चीनी लेनी है उससे आधा पानी लेना है। पानी हमने लिया है 300 ग्राम। अब हम इसको चला देंगे ताकि नीचे चीनी लग ना जाए। चाशनी चलाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है चीनी लग जाती है तो फिर कैरेमलाइज हो जाएगी शुगर, तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा और कलर भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से उबाल आ जाएगा और ऐसे झाग हो जाएंगे, मतलब चाशनी हो गई है। जब आप ठंडा करेंगे तब आपको इसका तार का पता चलेगा कितना बड़ा है, 1 इंच का या फिर आधे इंच का। अब हम गैस बंद कर देंगे। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने चाशनी बना के रख दिया। अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में डालेंगे देसी घी, 125 ग्राम देसी घी और 125 ग्राम दही। आपने दही और घी की क्वांटिटी बराबर रखना है। ये दोनों डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये दोनों मिक्स करने के बाद आपने इसमें कम से कम 100 ग्राम पानी डालना है। पहले 15 ग्राम बेकिंग पाउडर और इसको दोबारा फिर से अच्छे से फेंट लें। इस तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। ऐसे फेंटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा हमने लिया है 500 ग्राम। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने मिक्स करना है और इसको गूंद लेना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, जितना आपको ज़रूरत लगे। आपने थोड़ा टाइट ही गूंदना है। बालूशाही बनाने के लिए आपने मेहनत करनी है आटा लगाने में। आपने बहुत ही अच्छे से आटा लगाना है। जितना अच्छा आप आटा लगाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी बालूशाही बन के निकलेगी और एकदम खस्ता बनेगी। बस आपने थोड़ी मेहनत करनी है आटा लगाने के लिए। इस तरीके से आप आटा लगाएं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। ये आपने देखा कितने अच्छे तरीके से मैंने आटा लगा लिया बालूशाही का। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन हुआ है। अब हम इसको आधा ले लेंगे और आपने ऐसे टेबल पर और इसको लंबा कर लेना है इस तरीके से, मसल के आप लंबा करें। और जितनी बड़ी आपने बालूशाही बनानी है उतना बड़ा आप काट लें इस तरीके से। ये देखिए ऐसे काटने के बाद आपने एक पेड़ा लेना है और इसको इस तरीके से देखिए मसल मसल के आपने बनाना है। जितना आप ऐसे रोलिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा पर्त निकलेंगे, बहुत ही बेहतरीन बनेगी। उसके बाद आपने इसको ऐसे उंगली से या फिर अपने अंगूठे से ऐसे दबा देना है और यहाँ रख देना है। सेम और इसी तरीके से बना लेंगे सारे। ऐसे आपने इसको मसलना ज़रूर है, इस तरीके से आपने ऐसे रोल करना है। और ये देखिए ये मैंने बना ली है सारी बालूशाही। आप भी इसी तरीके से बना लें। हम जब बचपन में बालूशाही खाते थे तो वो ऑरेंज कलर की होती थी, उसमें कलर होता था, लेकिन हमने घर में बनानी है तो हमने क्यों कलर डालना है। आप भी कलर ना डालें। हाँ, अगर आपको चाहिए आपको लाल पीली हरी बनानी है तो आप हल्का सा ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, हल्का सा, तो उससे कलर ऑरेंज हो जाएगा, लेकिन ना डालें तो अच्छा रहेगा। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस एकदम स्लो होना चाहिए और तेल थोड़ा सा गरम। अब हम तेल में डाल देंगे, हल्का सा गरम है। आपने इसको तेल में डाल के भूल जाना है, आराम से फ्राई होने देना है। ये अपने आप ऊपर आने लगेगी, मतलब इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए फ्राई करने के लिए। ये देखिए किस तरीके से अपने आप धीरे धीरे ऊपर आ रही है बालूशाही।
इसका मतलब ये हल्की हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है आपने, एकदम लाल करना है आपने। इसको थोड़ी देर बाद एक बार घुमा देना है। और घुमा के इसी तरीके से आपने छोड़ देना है। बालूशाही बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रही है और बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है। इसी तरीके से आपने फ्राई करनी है। आप चाहें तो इससे और भी थोड़ा सा लाल कर सकते हैं, अच्छा कलर ले सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा कलर है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने निकाल लेना है और कलर देखिए आपने ऐसा ही कलर लेना है। चाशनी में डालने के टाइम आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाशनी ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ी सी गर्म हो। इसीलिए मैंने पहले चाशनी बनाई थी। आप भी जब भी बालूशाही बनाएं तो पहले चाशनी बना लें। अब हम डाल देंगे चाशनी में और इसको अच्छे से एक बार चला देंगे ताकि चाशनी अंदर तक पी लें। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने निकालना है और बहुत ही बेहतरीन हुई है बालूशाही, जवाब नहीं है इसका। आप इसको ऊपर गार्निश पिस्ता, बादाम, गुलाब के पत्ते फ्रेश वो भी इस पे लगा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगेंगे अगर आप बुफे में दे रहे हैं होटल में। नहीं तो आप घर में खा रहे हैं तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, खाली आप ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे से खा सकते हैं। ये देखो मैं भी इस पे डाल दूंगा थोड़ी सी गरी। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेके आया बालूशाही, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि बालूशाही कैसे बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।